बेटा जेल वो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, पीएमसी घोटाले में और भी बहुत के भ्रष्टाचार के मामले हैं, फिरौती के मामले हैं, एक्सट्रैक्शन के मामले हैं, जो अब तक दबाए हुए थे, अब बहुत से लोग सामने आए हैं और धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अगर कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो बाप बेटे एंटीसिपेटरी बेल को क्यों भाग रहे हैं? अब तक तो भागम भाग नहीं हो रही थी। जब से मैंने सच को उजागर करने की कोशिश की है, तो ये बाप बेटे दर दर की ठोकरें खाते हैं, खाकर एंटीसिपेटरी बिल से इस कोर्ट से वहाँ, उस कोर्ट से वहाँ। एंटीसिपेटरी बिल की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है? उसमें तो साफ है, आप देखिए क्या होता है, देखते रहिए। और जो मैंने कहा ना 3.5, वो 3.5 भी गिनते रही है। वो 3.5 लोग आप पूछेंगे नाम क्या है, नाम देने से वो लोग एंटीसिपेटरी बिल पर जाते हैं। तो जब जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे आप देखते रहिए। लेकिन मैंने आज कहा कि मार्क माय वर्ड्स, आप लिख कर लिखिए, ये बाप बेटे और भी कुछ लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज करते हैं, वो सभी लोग जेल जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और यहाँ के पुलिस भी बहुत सी बातों की जांच करने के लिए सक्षम है, रहेंगे और करेंगे। आपला नाही फेटाळला, माहिती घेऊन बोला। मी वारंवार सांगतोय, जेव्हा माझी पहिली पत्रकार परिषद झाली शिवसेना भवनात, तेव्हाही म्हटलं की बाप बेटी जेलमध्ये जाणार। आतापर्यंत तुम्ही इतरांना धमक्या देत होतात, याला जेलमध्ये पाठवू, त्याला जेलमध्ये पाठवू, मग तुम्ही अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ का करताय? आतापर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल नाही, कोणत्या गुन्ह्याखाली तुम्हाला अटक होणार आहे याची अजून स्पष्टता नाही। कोर्टाने विचारलंय ना, आणि सरकारने सांगितलं आहे की पीएमसी बँक घोटाळ्यात तुम्हाला अटकेची भीती वाटत असेल ते तसंच सांगा। पीएमसी बँक घोटाळ्यात जर तुम्हाला अटकेची भीती वाटत असेल तर तसं सांगा, असं सरकारी वकिलाने सांगितलं। तर मी आता वाचलं, मी का पाहत नाही अशा केसेस, फार किरकोळ केस आहे, पण जेलमध्ये जाणार अशी, हे एक प्रकरण नाही आहे, अशी अनेक प्रकरणं आहेत ज्या प्रकरणामध्ये हे बाप बेटे जेलमध्ये जातील, त्याच्याबरोबर अनेक अधिकारी, तपास यंत्रणा केंद्रित, आणि इथे जे काय घोटाळे करून ठेवलेले आहेत, किडनॅपिंग, टेररिझम, वसुली, अशी अनेक प्रकरणं समोर आलेली आहेत पुराव्यासह। त्यातली काही प्रकरणं मी काल प्रधानमंत्री कार्यालयामध्ये सुपूर्द केली आहेत, काही ठेवली आहेत पुराव्यासह। हे अधिवेशन संपलं की त्याच्यावरती मी समोर येऊन सांगेन। पण ज्या अधिकाऱ्यांना वाटतं इथे की आमचं राज्य आहे केंद्रात, ते भ्रमात आहेत। महाराष्ट्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनासुद्धा महाराष्ट्रात झालेल्या भ्रष्टाचारावर, खंडणीवर, इतर काही गोष्टींचा तपास करून आरोपींना अटक करण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांना मी सांगू इच्छितो आणि मी ही ऑन रेकॉर्ड सांगतो आहे। आपण पाहिलं असेल, मी तुम्हाला सांगतोय ना, आर्यन खान प्रकरणामध्ये सुद्धा SIT ने सांगितलं की त्या मुलाकडे ड्रग सापडलंच नाही। म्हणजे मोठा बनाव केलात तुम्ही, असाच बनाव तुम्ही आमच्या बाबतीत करताय, प्रत्येकाच्या बाबतीत करताय। हे उघड होईल, हे उघड होत आहे आणि मी समोर आलो आहे आता लक्षात, आतापर्यंत मी यात पडलो नव्हतो। आता मी तुमच्या प्रत्येकाचे मुखवटे उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुम्हाला जेलमध्ये पाठवल्याशिवाय राहणार नाही। आई रिपीट, मार्क माय वर्ड्स। सर, आर्यन खान केस में जो SIT की रिपोर्ट आई है हिंदी में, हिंदी में सर, एक हाँ क्या है, आर्यन खान के मामले में जो SIT की रिपोर्ट आई है NCP की तरफ से, यही तो है ना, रिपोर्ट आई है ना, सच सामने आया है ना। आपने कितना बड़ा एक अवडंबर खड़ा किया था,
इसलिए को शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए को बड़ा नाम है, इसलिए कि आप उनसे एक्सट्रॉशन करना चाहते थे, इसलिए कि आप किसी को बदनाम करना चाहते थे, यही सब आप हमारे बारे में करना चाहते हो, लेकिन आप हार जाओगे। सर आप पहले से कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, हो गया है। आर्यन खान के प्रकरण में आपने देखा ना, बहुत सी बातें सामने आ जाएगी, क्योंकि आप, मैं लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी लड़ रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी लड़ेंगे, हर शिवसैनिक लड़ेगा, महाराष्ट्र के हर गांव का व्यक्ति लड़ेगा ये लोगों के खिलाफ। सर यूक्रेन में जिस तरह से इंडियन फंसे हुए हैं, यूक्रेन में भारत सरकार सक्षम आहे, पण भारतीय जनता पक्ष जे सरकार चालवता आहेत ते निवडणुकीमध्ये अडकले आहेत, त्यांना वेळ नाही आहे, त्यांना उशिरा जाग आली आहे, त्यांना उशिरा जाग आल्यामुळे आमच्या मुलांना अशा प्रकारे अपमानित व्हावं लागत आहे। पोलंडच्या सीमेवर बरं का, रुमानियाच्या सीमेवर, हां त्यानंतर युक्रेनच्या सीमेवर अक्षरशः लाथाबुक्क्याने मारलं जात आहे, उपाशी ठेवलं जात आहे, त्यांच्यावरती अत्याचार केले जात आहेत, एक तरुणाचा तर एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालेला आहे, आणि तुम्ही राजकारण करताय, हे आम्ही करतो आहे, तुम्ही हे देशाचं कर्तव्य आहे, हे तुमचं कर्तव्य आहे। मनमोहन सिंग यांनीसुद्धा कुवेतच्या युद्धाच्या वेळी 16,000 लोकांची सुटका केली होती, एवढा गाजावाजा केला नव्हता, करा पण आमच्या मुलांचे प्राण वाचवा, इतकंच मी सांगेन। धन्यवाद। देखिए युक्रेनवाले मामले में जो सामने आया है, ये मैं भारत की नाकामी नहीं मान रहा हूँ, देश हमारा मजबूत है, देश को बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन जो सरकार चला रहे केंद्र में, वो चुनाव में इतने व्यस्त है, प्रचार में इतने व्यस्त है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे और राज्य में, अभी उनको जाकर टाइम मिला है, जब वहाँ आक्रोश हो रहा है यहाँ देश में, तब वो भागमभाग चल रही है। अमेरिका का एक भी लड़का नहीं वहाँ फंस गया, और भी किसी देश का लड़का नहीं फंस गया, हमारे ही बच्चे क्यों फंस गए, हमारे बच्चों को मदद क्यों नहीं मिली, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से जो बॉर्डर से जो वीडियो बच्चे भेज रहे हैं, उनके ऊपर जो आपबीती आ रही है, वो यहाँ बता रहे हैं, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ।